लिए आपने ड्रामा स्टार्ट किया, तो उसमें आपको कौन सी मुश्किलात का सामना रहा? आपको पता है यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चीजें हैं वैसे नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लड़कियों को जिनसी मरासम के लिए मजबूर किया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप मेरे साथ कोई रिलेशन बनाएंगी देन आपको काम मिलेगा, फिर आप काम कर सकती हैं, या आपको ड्रामा नहीं मिलेगा, लड़की टैलेंटेड भी है, उसमें बहुत सारे स्किल्स भी हैं, अच्छी एक्ट्रेस है या अच्छी डांसर है, उसके बावजूद उसको अगर फोर्स किया जाए, ऐसा होता है यहाँ पे? ये अच्छा, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं साइमा बाजी की वजह से मैं बच गई थी, क्योंकि मेरी स्पोर्ट बहुत, मतलब मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मैं इसी फील्ड में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखने वाली थी। मुझे ऐसा सच इतना ये फील नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे जैसे आप कहते हैं कि फिजिकल रिलेशन रख के आपको यहाँ पे स्टेबल होना पड़ेगा, आप यहाँ पे काम करोगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे घर वाले कोई नहीं बुला रहा था, मुझे मेरी माँ भी कह रही थी, मैंने तुम्हें कहा था तुम ना इस फील्ड में आओ, तुमने जलील होना है, तुमने ये होना है, तुमने वो होना है, तुम्हें मतलब यहाँ पे गिव एंड टेक होता है, जब हम ऐसे हैं ही नहीं, जब हमने करना ही नहीं, मेरी सबसे बड़ी जो मेरी बहन है उसने ये हरकतें नहीं की तो तुम कर दोगी, हमें ये हो जाएगा, हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि मैं अब जाहिर सी बात है मेरा बिलोंग तो मैं फैमिली की थोड़ी सी सपोर्ट थी, इस हरकत की वजह से वो भी सपोर्ट मुझे नहीं थी, मुझे सपोर्ट आज तक मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी सवाए मेरी माँ, अब जाके मुझे सपोर्ट करती है, मुझे अल्लाह अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह के अल्लाह है मेरे साथ बस, मुझे और किसी का कोई नहीं है कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन बंदा मुझे सपोर्ट करे, कोई नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम भी ये नहीं लगाया था कि जी साइमा की बहन आ रही है सुनहरी खान, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आज तक लोग कहते हैं कि अगर आप किसी आउट ऑफ सिटी जाते हो तो आप उधर लिखवा दो सुनहरी खान साइमा की छोटी बहन और ये वो, मतलब रश होगा ये वो। मैंने कहा अल्लाह पे छोड़ा हुआ है ना, अल्लाह सब कुछ अच्छी करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो आप किससे डिसाइड होगी, आपने 3 माह का गैप ले लिया, बिल्कुल। लेकिन अच्छा ये बताइए कि ये जो, चले ठीक है, आपको तो ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ती या करनी नहीं पड़ी, उनकी वजह से आपको थोड़ी सपोर्ट मिल गई साइमा जी की वजह से, लेकिन आप इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये चीजें हैं, बिल्कुल है, ये रियलिटी में है, लड़की को फेस करनी पड़ती, बिल्कुल हर लड़की को फेस करनी पड़ती। अच्छा ये बताइए कि तमाशबीन की और फैन की क्या डेफिनेशन है आपके नजदीक? तमाशबीन वो है जो लड़की को खिलाए, जो लड़की को कपड़े शपड़े उसका ठीक करे, जो उसके कोरियोग्राफर जो होते हैं उनको पैसे पूरे करे, फैंस वो होते हैं कि जो आके वहीं पे एंजॉय करके अल्लाह हाफिज। अच्छा ये तमाशबीन कहाँ से आते हैं, कौन लेकर? तमाशबीन इसी दुनिया के, जाहिर सी बात है एंटरटेन करने के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है लोग इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लड़कियों से मिलवाते हैं, या मतलब कौन वो हमारे पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेरेंट्स। अच्छा सो कॉल्ड पेरेंट्स, यस। तो इनको कौन एंटर करता है इस इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स हर शो, देखिए नहीं मेरी बात सुने, ये एंटर करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो बंदा आएगा वो यही चाहेगा कि हम क्यों ना निधा चौधरी के साथ मिले, हम क्यों ना सुनहरी खान से मिले, हम क्यों ना आफरीन परी से मिले, हम क्यों ना मतलब और भी है सोबिया खान से मिले, हम क्यों ना सारा खान से मिले, मतलब ऐसी और बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशंस होते हैं उन पिम्स के साथ, पिम्स के जो इनको इन बंदों तक पहुंचा देते हैं या इनके रिलेशन डेवलप कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये नेगेटिविटी करती है, हर इंसान का अपना अपना है कि वो क्या कैसे वो उसको लेता है, पर ये है कि पिम्स का ये है कि जब वो आते हैं ना थिएटर में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार वो जेड़ा फ्रंट च बंदा नहीं बैठा सी, वो जिहड़ा वो साइड ते जिन्हें कोट पाया सी वो कह रहे मैं मिलना है, ठीक है ना, तो वो इंज करके अच्छा अच्छा खासा हो जाएगा तू ना आ जाए, तो इस तरह के मतलब ऐसे जाती हैं। कुछ हैं आर्टिस्ट जो चली जाती हैं, कुछ हैं कि बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत ज्यादा हैं, कुछ नाम नहीं बहुत ज्यादा है, वो आप भी आप जाहिर सी बात है रैंकिंग बताएं, रैंकिंग कर दें आप, ये बता दें 50% 60% 70% 80% 100% कितना होता है? हमारी है 60% तो है, 60-40 का आप करें, 60-40 का, यस हमारी है। अच्छा ठीक है, ड्रामा प्रोड्यूसर आजकल के दौर में जो काम हो रहा है, बिल्कुल, आप क्या समझती हैं कि राइट वे में काम हो रहा है या अभी भी यहाँ पर धांधली चल रही है इस टाइप की कि सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर, सिफारिश सिस्टम कहाँ तक है ये सिफारिश? देखिए मेरी बात सुने आफिन जी, बात ये है कि जहाँ तक रिलेशन की बात है ना, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के साथ रिलेशन बनाया जाए ना तो उसको बहुत हाइट मिलती है। अच्छा लड़कियाँ जल्दी स्टार बन जाती है, बहुत जल्दी सुपर स्टार बन जाती हैं, वो ऐसी हो जाती हैं कि बस हम तो बस, वो कौन जी निधा चौधरी, कौन आफरीन परी, कौन मतलब क्या, मतलब जितनी भी है हमारी, जितनी भी हमारी, अब मुझसे अगर आप कौन से प्रोड्यूसर्स हैं किनको जिम्मेदार ठहराती हैं आपके, जिनको हकदार को हक? देखिए हर हर थिएटर में, हर थिएटर में एक एक प्रोड्यूसर तो है,
हर थिएटर में है, एक एक लड़की उसने रखी हुई है, एक एक लड़की रखी हुई है, एक एक लड़की को उसने ऐसी हाइट देनी है कि जो बड़ा स्टार होगा ना उसको आमने नीचे रख देना है और जो छोटी स्टार है उसको आमने मेन पे लाके खड़ा कर देना है। आपके नजदीक पब्लिसिटी के कितने इश्यूज रहते हैं आपको? पब्लिसिटी के एज सच देखे, जब दोस्तियां आ जाती है ना प्रोड्यूसर्स में, और सवाए मैं ये नहीं कहती कि गलत बात में भी, जब दोस्ती हो जाती है ना हेलो हाय तक भी एज अ फ्रेंड बात होती है, तो फिर ये होता है कि यार जरा मैनेज कर लें प्लीज, आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, आप सुनहरी खान के, फिर जाहिर सी बातें करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, फिर बाद में डेडलाइन भी दे दी जाती है। करती हैं आप, मतलब इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे प्रोड्यूसर चाहेंगे, जैसे मेरे डायरेक्टर साहब चाहेंगे, वैसे ही मैं उनको तंग नहीं करती, मैं उनको तंग नहीं करती। मैं कोऑपरेटिव भी हूँ और मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हूँ। फिर मेरी डेडलाइन ये होती है कि बस फुल स्टॉप, अब इसके बाद ये मेरा लास्ट, पहले उसके बाद मैं नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, वॉर्न कर देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जेलस होती हैं आप किसी से? अगर मैं जेलस होती ना तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहां पे ना होती। हमारी एक साथी अदाकारा है जिया भट्ट, उनका कहना है कि सुनहरी खान मुझसे जेलस होती है। अच्छा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, तो आपको जेलस नहीं होना चाहिए, आप क्यों जेलस हो? देखिए मेरी बात सुने, मैं वो शायद मैं होती हूँ, ये मुझे नहीं पता, अगर मैं होती भी होंगी। वो कहना चाह रही थी कि आप उनको काम नहीं करने देती, मतलब कि वो चाहती हैं आप काम। मैंने तो उनके साथ कभी काम ही नहीं किया, मेरा तो सेकंड प्ले है उनके साथ अब तो। अच्छा। मेरा तो सेकंड प्ले है अब तक उनके साथ। अभी रिसेंटली परफॉर्म करी आप? रिसेंटली जी, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उनका कहना ये था कि मुझसे सुनहरी खान जेलस होती है। अच्छा, चले बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा नाम हर जगह आए, कि मैं चाहे जेलसी में हूँ, मैं चाहे पॉजिटिव में हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आएगा तो मैं स्टार बनूंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है थिएटर लाइन? थिएटर लाइन में जब मैं इस थिएटर लाइन में एंटर हुई तो मुझे खुशबू जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे द वे ऑफ टॉकिंग उनका बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे गाइड भी किया। ठीक है। और सेकंड मैंने जिनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया वो है निधा चौधरी, और अब मैं जिनके पास आई वो है आफरीन परी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। अब मजीद आपसे कुछ पूछेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हमारी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है सुनहरी खान से। अच्छा सुनहरी, ये बताइए कि मेल एक्टर्स में आपको कौन पसंद है? मेल एक्टर में मुझे नसीम की, नासी चेनियोटी, गुलफाम, और हमारे अक्रम दास भी बहुत अच्छे हैं, और अब जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ उनमें वसीम पुनू बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह। वल्गैरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वल्गैरिटी को फ़रोग देने वाले कौन लोग हैं, कौन सी अदाकाराएँ हैं, और अभी वल्गैरिटी हो रही है? वल्गैरिटी एज सच देखें, वल्गैरिटी एज इतनी तो नहीं हो रही जितने पास्ट में, अगर मैंने देखे जितने ड्रामे देखे हैं मैंने, उसमें तो वल्गैरिटी की हद थी। अब ये है कि अब एक रूल आ गया है, अब एक मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर हम थ्रिलिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमें नोटिस आ जाता है, तो इसके अलावा और क्या वल्गैरिटी होती है? डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे वो क्या रोल अदा करते हैं, आपको क्या लगता है फेयर चलते हैं आर्टिस्ट्स के साथ? देखिए मुझे इस तरह का, मुझे उनके साथ कोई तंगी नहीं थी, मैंने जब तक भी काम किया, मतलब वहाँ पे भी काम किया, मेन थिएटर्स में भी काम किया, मुझे महफिल में कोई तंगी नहीं थी। मैं मतलब मैंने 1.5 साल काम किया है, स्टार्टिंग में एक दो प्लेयर्स में ज़रा थोड़ी सी तंगी थी, उसके बाद स्टेबल हो गया था सारा का। अच्छा स्कैंडल्स के हवाले से कुछ बताएंगे कि आपके पास स्कैंडल जो होते हैं वो आर्टिस्ट के होते हैं, आपकी लाइफ में कितने स्कैंडल रहे? मेरे स्कैंडल्स का तो मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ ये है कि जो होते हैं बचपन में स्टॉप बॉन भी थी मैं जरा थोड़ी सी, तो उसमें जो इश्क विश्क चल गए। मोहब्बत इश्क प्यार शायद नहीं, वो जो बच्चापन होता है ना कि दोस्त बना लिए फिर गेट टुगेदर्स कर लिए, इस तरह का मतलब ठीक था, मतलब हम लोग मोहब्बत नहीं हुई कभी थी। मोहब्बत इतनी गहरी इश्क मुझे किसी से नहीं हुआ, गहरा इश्क के जिसके पीछे मैं होने के चांसेस कितने? हाँ वो जब मैं शादी करूंगा ना करूंगी जिससे, तो शायद उसी से मोहब्बत और इश्क। शादी करने का इरादा कब तक क्या? शादी करने का अब ये है कि अभी तो काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह अभी 3-4 साल तो है। जिससे शादी करना चाहेंगे उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? औरत की इज्जत करना सीखे, औरत की इज्जत करना जाने वो पूरा। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे जहन में है कि आप एक बात बताएं, थिएटर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो खवातीन होती हैं, क्योंकि जैसे कि आपने खुद बताया कि सायमा जी ने भी इसको एक अलग से ही कर दिया कि थिएटर एक अलग चीज़, पता नहीं कोई हवा चीज़ है शायद,
تو اس کی جو خواتین ہیں انہیں پراپر گھر سسرال اور وہ رشتے کیوں نہیں ملتے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اس لائک نہیں ہوتی ہمارا جو مطلب سینیریو چل رہا ہے نا، مگر ہر لڑکی مطلب شادی کے لحاظ سے نا بہت سینسیٹیو ہے. ہم جیسی جو لڑکیاں ہیں الحمد للہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، مطلب دیدار نے شادی نہیں کی کیا، مطلب ہماری جتنی بھی خوشبو جی ہیں ماشاء اللہ ان کی بھی شادی اچھی نہیں جا رہی. تو میں یہی کہوں گی کہ وہ قسمت پہ ہوتا ہے آپ کو بندہ اچھا ملے. جو خواتین شادی کر کے واپس شو بز میں آ جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اللہ ان کو ہدایت دے بس. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں جب کبھی شادی کریں گے دوبارہ شو بز جوائن کریں گے؟ خیر آباد کہہ دیں گی کوئٹ. اچھا بالکل کوئٹ کر دیں گی. چلیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کو کوئی بہت اچھا ہم سفر ملے، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تو جاتے جاتے آپ ہمارے ویورس کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی میں بس یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جو بھی ہیں مطلب ہم بھی انسان ہیں، لڑکی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اس کو ایسے فیل کرائیں کہ مطلب اس کو ایز اے ڈول آپ فیل کرائیں. اس کو آپ یہ نہ کریں کہ اس کو آ کے تانے نہ دیا کریں کہ آپ تھیٹر کی ہیں. تھیٹر کی بھی لڑکی ایک انسان ہوتی ہے، تھیٹر کی بھی فیلنگس لڑکی کے فیلنگس ہوتی ہیں، ان میں ان کے بھی ماں باپ ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بیک گراؤنڈ آپ کے ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح ہے، کیا وہ فیملی کے لیے کر رہی ہے. آپ کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ لڑکی ایسی ہے. آپ پنچ آؤٹ تو بہت جلدی کر دیتے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ لڑکی گندی ہے، اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں. کیوں؟ کیا ہم لڑکیاں نہیں ہیں؟ مطلب آپ عام لوگوں کی لڑکیاں جو دیکھتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہیں، ہمارا بھی وہی دل ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ عزت کرنا جانیں، آپ جو آتے ہیں عزت کر کے. سلام دعا ہے آپ کی، ٹھیک ہے آپ کریں سلام دعا جس کے ساتھ بھی آپ کی، پر آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ ایسی لڑکی ہے، وہ ایسی لڑکی ہے، اس کو تو میں ایسے کر دوں گا، اس کو میں ایسے کر دوں گا. جو بھی ہے بس یہ کہوں گی کہ اپنا بھی خیال رکھے گا اور دوسروں کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے اور بہت قیمتی ٹائم دیا آپ نے ہمیں، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. جی بہت ہی مزے کی باتیں کی سنہری خان نے، اور بہت سارے جو ہیں باتیں، بہت سارے انکشافات کیے ہمارے ساتھ. انہوں نے کچھ باتیں ایسی عیاں کی جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے. اپنی نجی لائف کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا اور تھیٹر کی لائف کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا، اور ان چیزوں سے پردہ ہٹایا جن کو پبلک نہیں جانتی. تو بہت مزہ آیا ان سے بات کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ اس خاص ملاقات میں. دیکھتے رہیے گا www.innerpakistan.com پر. آپ دیکھ سکتے ہیں خاص ملاقات کو یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر اور گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.